इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फॉर्म टैग के बारे में समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेट पे जब किसी भी तरह की एप्लीकेशन को हम भरते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म आता है जिसको हमें फिल करके सबमिट करना होता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर HTML की हेल्प से किस तरह से एक बेसिक से फॉर्म को हम क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक फॉर्म लिखा हुआ है, बना हुआ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को फिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू आईडी पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम अपनी आईडी लिख सकते हैं, यहाँ पासवर्ड लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए abcdef@gmail.com लिख देता हूँ और फिर मैं करता हूँ यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ कुछ भी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट जेंडर, यहाँ आप देख सकते हैं मेल है और फीमेल है, यानी कि दो में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू मार्क आ रहा है जो कर रहा है किसी एक ऑप्शन को हमें फिल करने की परमिशन दे रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट और चॉइस यानी गेम, मूवी और चैटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं, सभी पर टिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से टिक मार्क बन के आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं चेक मार्क, चेक बॉक्स बोलते हैं इनको। आप चाहें तो किसी एक पर कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट और एज, यानी कि आपको एज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक पर सिलेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम सबमिट कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सबमिट और रीसेट ऑप्शन वर्क तो करेंगे लेकिन ये डेटा सर्वर पर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको आज केवल फॉर्म के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ और नोटपैड को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ हम कोडिंग एक एक करके स्टेप बाई स्टेप। यहाँ हम आपको एक और चीज बता दें, HTML के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इससे पहले की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको एक एक करके देखेंगे तो आपको HTML क्या है, इसका यूज क्या किस तरह से करते हैं और इसके टैग क्या कहलाते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप पहले पिछले वीडियो देखें अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं फॉर्म टैग के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML। HTML लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद हमें करना होता है, टाइटल का नाम देना होता है। फिलहाल मैं फॉर्म टैग फॉर्म ही दे देता हूँ टाइटल, और टाइटल को मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पर बॉडी टैग लिखता हूँ। बॉडी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमें करना होता है फॉर्म को लिखना होता है, फॉर्म को लिखते हैं। फॉर्म को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटर योर मेल आईडी, मेल आईडी। इसके बाद रेशियो लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, इसका यूज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद फिर फॉर्म टैग को बंद कर देता हूँ। फॉर्म टैग को बंद करने के बाद बॉडी टैग को बंद कर देता हूँ और बॉडी टैग बंद करने के बाद HTML टैग को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिंपल से टैग के बारे में लिखा हुआ है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ। मैं आपको पूरा फॉर्म बना के दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर एक स्टेप को अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। मैं फाइल को सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करता हूँ, फिर सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करते ही आप देखेंगे इस तरह से बॉक्स आ गया है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल नेम को रफ करके फॉर्म लिख देता हूँ और फिर मैं करता हूँ फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखता हूँ। HTML लिखने के बाद क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप सेलेक्ट है। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं और अब क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे फॉर्म फाइल हमें दिखाई दे रही है। हम इस पर दो बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे इस तरह से आपको एंटर योर ईमेल आईडी का ऑप्शन आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ एक खाली बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर सकें, अपनी ईमेल आईडी को लिख सकें, जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज को रीस्टोर करता हूँ जिससे कि दोनों को मैं करता हूँ ओपन कर लेता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसका रिजल्ट हमें क्या होगा, ब्राउजर पर शो होगा। इसके लिए इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ जिससे कि हमें दोनों ही चीजें ओपनली दिखाई दें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखें इंटर और ईमेल आईडी में यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक लगाएंगे जिसका नाम है इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। और फिर हम क्या करते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे इस फाइल को दोबारा सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएंगे नोटपैड में और ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में हम क्या करते हैं रीलोड दिस पेज। जैसे ही रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है जिसके अंदर हम अपनी ईमेल आईडी को इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए हमारी आईडी लिख रही है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखा है, जिससे हमारा क्या होता है एक खाली बॉक्स आता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस टैग का यूज करेंगे। देन इसके बाद क्या करना है, हमें दूसरे बॉक्स की जरूरत है जिसमें हम क्या कर सके अपने पासवर्ड को लिख सके। तो हम क्या करेंगे इसके पीछे हम लगा देते हैं br टैग। br टैग क्या करता है, br एक ऐसा टैग होता है जो लिखे हुए टेक्स्ट अगली लाइन को हमारे क्या करता है नीचे ट्रांसफर करता है। अगर हम br नहीं लगाएंगे तो फिलहाल बिना br के देख लेते हैं। हम क्या करते हैं एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम लिखते हैं इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ रेशो लगाते हैं। रेशो लगाने के बाद फिर से हम ग्रेटर देन में लिखते हैं इनपुट इनपुट टाइप सॉरी स्पेस करना था इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड। देखिए इस तरह से लिखेंगे और फिर हम क्या करते हैं इस तरह से इसको बंद कर देते हैं और फिर से हम इस फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं, ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर है वो गड़बड़ हो गया है, यानी कि गलत हो गया है, ये कहीं वर्ड आ रहे हैं और कहीं पर बॉक्स आ रहा है। हम चाहते हैं ये प्रॉपरली इसके जस्ट नीचे आए लाइन, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पहली लाइन में जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर क्या करते हैं सिंपल सा हम क्या करते हैं br टैग का यूज करते हैं। br टैग यूज कर दिया, अब फिर हम कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर हम ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ रीलोड दिस पेज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये प्रॉपरली आ रहा है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा इसमें क्या है प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है इनमें। हम चाहते हैं दोनों बॉक्स के बीच में स्पेस आए, तो क्या करेंगे इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ आके सेकंड लाइन में स्टार में br टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ फिर क्या करते हैं कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने का रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से क्या हुआ है इसमें स्पेस आ गया है। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं अब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखिए, जो भी कुछ लिखना है आप वो लिखिए इस तरह से और क्या करते हैं पासवर्ड में हम क्या करते हैं पासवर्ड लिखते हैं। तो देखेंगे पासवर्ड में अक्सर ऐसा ही देखा गया होगा आपने कि हमारे क्या होते हैं लेटर नहीं दिखाई देते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट योर जेंडर, यानी कि हमें क्या करना है मेल फीमेल वाला ऑप्शन देना है। तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर एंटर करते हैं और br टैग का यूज करते हैं। br टैग को लिखने के बाद हम क्या करते हैं सिलेक्ट ये जेंडर। इसके बाद दो रेशो लिखते हैं, यहां लिखते हैं मेल और फिर हमें क्या करना है मेल के बगल में यानी कि साइड में हमें क्या करना है मेल के साइड में एक रेडियो बटन की जरूरत है, जैसा कि मैंने यहाँ फॉर्म में आपको दिखाया था। ये देखिए इस तरह से फॉर्म को जैसा कि मैंने फॉर्म में आपको दिखाया था दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा सिलेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम टैग लगाएंगे इस तरह से जिसमें रहेगा इनपुट स्पेस टाइप इक्वल रेडियो नेम R1 इस तरह से और फिर हम कर देंगे इसको ग्रेटर देन में बंद और फिर से हम क्या करते हैं कंट्रोल एस दबाते हैं। पहले हम एक का रिजल्ट देखते हैं फिर सेकंड लगाते हैं और फिर हम ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर ये ऑप्शन आ गया, लेकिन यहां पर क्या है अभी भी स्पेस कम है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पासवर्ड के पीछे जाके फिर से br टैग का
यूज करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएंगे और फिर से हम रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेल तो ऑप्शन आ गया है लेकिन हमें फीमेल लेना है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहीं पर आर वन ग्रेटर देन के बाद इंटर करते हैं और फिर इसी लाइन को क्या करते हैं, सिंपल सा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। ये हो गया हमारा ईमेल और हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस और फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर हम जाते हैं ब्राउजर में और रीलोड दिस पेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेल आ रहा है, यहाँ पर ईमेल आ रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। और जब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो देखिए ये दो में से क्या करेगा, इन यहाँ पे टू ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन टू ऑप्शन में फर्स्ट हमारा मेल है, सेकंड हमारा फीमेल है, कोई भी एक ऑप्शन ही सिलेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, सिलेक्ट और चॉइस, यानी कि हमें करना है हमारी चॉइस जो भी हो हम उसको क्या कर सकें, सिलेक्ट कर सकें। मीडिया टैग को यहाँ पे लिख देते हैं और फिर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद हम लिखते हैं सिलेक्ट पर हमें करना है, अब ऑप्शन देना है। हम लिखते हैं फिलहाल गेम गेम्स, अब चेकबॉक्स आना चाहिए तो फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे जिसका नाम है इनपुट टाइप इक्वल चेकबॉक्स। और नेम नेम लिखने के बाद इक्वल सी वन। अब हमें करना है, यहां आप देखेंगे कि सी वन लिख दिया है, चेकबॉक्स आ गया है। अब इसको फिलहाल मैं करता हूं कंट्रोल एस दबाता हूं और रीलोड दिस पेज करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर इस तरह से सिलेक्ट चॉइस में ऑप्शन दे रहा है गेम्स का और हमारा टिक मार्क भी हो रहा है। अब हम दूसरा ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल इसी को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं पूरा का पूरा और फिर इसी को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं। इसके पीछे एंटर करने के बाद यहाँ सिंपल सा गेम को बदल कर हम क्या कर सकते हैं, मूवी दी हमने मूवीज और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे गेम भी आ गया है और मूवी आ रहा है और दोनों में हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक और ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको थर्ड ऑप्शन भी देना है तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम चैटिंग, कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आ गया है और आप चाहें तो सभी पे टिक कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी वन पर या टू पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे रेडियो बटन है, रेडियो बटन में याद रखिए कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा जबकि चेक बॉक्स में हमारा क्या होता है, सभी ऑप्शन हमारे टिक हो सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एज का हमें क्राइटेरिया देना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ बी आर टैग का यूज करते हैं, बी आर और फिर लिखते हैं सिलेक्ट योर एज और फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टैग लिखते हैं और इसके अंदर हमें करना है ऑप्शन देना है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन लिखते हैं ऑप्शन और फिर हमें करना है ऑप्शन किस तरह से देना है, इससे भी आप दे सकते हैं, आप अलग टाइप से देना चाहें तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ इस तरह से और इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इतना और इसकी साइड नोटपैड की मैं बड़ी कर देता हूँ और फिर मैं करता हूँ यहीं पे पेस्ट पेस्ट और देन पेस्ट, कंट्रोल वी शॉर्टकट होता है और कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं में एक एक करके चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 21 से स्टार्ट करता हूँ, देन 30, यहाँ पर मैं करता हूँ 31 से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ लास्ट में
50 लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं 100। और फिर मैं क्या करता हूं, कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूं। यही ऑप्शन आप ब्राउजर पर रिजल्ट देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट आता है। ये देखिए इस तरह से यहां पर लिस्ट आ रही है और हम यहां पर कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हैं लिस्ट में से, यहां पर इस तरह से आ जाएगा। और फिर हमें करना है सबमिट और कैंसिल, रीसेट के ऑप्शन को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, पहले यहां पर सिलेक्ट टैग को बंद कर देंगे और फिर हम क्या करते हैं बीआर टैग को बंद कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहां लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल सबमिट वैल्यू इक्वल सबमिट नेम देन इक्वल सबमिट। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिख दिया है। ये हमारा क्या करेगा, सबमिट बटन को क्रिएट करते हैं। हम इसको कंट्रोल एस करके एक बार फिर से रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर रीलोड दिस पेज करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबमिट बटन को आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ गया है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, ये बटन तो आ गया लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इसके अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यानी कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर लिखना है सम इनपुट फिर टाइप इक्वल सबमिट। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो काम नहीं करता है, मैंने बी लगाना छोड़ दिया था। यहाँ पे सबमिट के बाद वैल्यू और फिर सबमिट और फिर नेम इक्वल सबमिट। क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं एक बार और फिर रीलोड दिस पेज करते हैं। ये देखिए बटन हमेशा इस तरह से शो होता है, तो हमारा सबमिट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें रीसेट वैल्यू का यूज करना है, तो हम इसी को फिर से सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर इसके बाद इंटर करने के बाद कंट्रोल वी दबाएंगे, इसका शॉर्टकट होता है। और फिर हम क्या करेंगे, जहां जहां सबमिट लिखा है वहां पर रीसेट का ऑप्शन टाइप कर देंगे। हम क्या करते हैं, सबमिट को उसको हटाते हैं, रीसेट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं यहां पर भी रीसेट कर देंगे। जहां जहां सबमिट लिखा है वहां पर हमें सिंपल सा रीसेट टाइप करना है इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबा के कीबोर्ड से सेव करेंगे और फिर यहाँ पर ब्राउजर पे जाएंगे तो जैसे सबमिट आ रहा है यहीं पर हमारा क्या आएगा, रीसेट आएगा इस तरह से। ये देखिए और हम देख लेते हैं हमारे सभी ऑप्शन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर टू ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फेल हो रहा है, यहाँ पर सभी ऑप्शन टिक मार्क होंगे, यहाँ देख सकते हैं हम इस तरह से। और फिर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन लीजिए और सबमिट पर डेटा गायब हो रहा है, बिल्कुल सबमिट हमारा काम कर रहा है। इसी तरह से हम रीसेट देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह से ऑप्शन फिल हो रहे हैं और इसके बाद हम करते हैं एस को करते हैं और रीसेट करते हैं तो सभी कुछ हमारे रिमूव हो जाने चाहिए, ऑप्शन टिक मार्क। ये देखिए इस तरह से काम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको फॉर्म टैग के बारे में समझाया है, फॉर्म को क्रिएट इस तरह से करते हैं, यानी कि अगर आप इस तरह की कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर बेसिक से फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है या क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।